बिटकॉइन में टेन परसेंट का एक्सट्रीम फॉल देखने को मिला है वो भी एक ही दिन में और लास्ट टू थ्री वीडियोज में हमने इसी के बारे में बात की थी अगर बिटकॉइन फोर्टी सिक्स थाउजेंड के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो इसमें फॉल देखने को मिल सकता है और मार्केट को बियर कंट्रोल कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे क्या रीजन है मार्केट में इतना फॉल आने के पीछे और साथ में एनालाइज करेंगे बिटकॉइन के टेक्निकल चार्ट को एंड लास्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बिटकॉइन के चार्ट को बिटकॉइन ने एक बार फिर से 46,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने से रिजेक्ट किया है और विदिन वन आवर बिटकॉइन में थाउजेंड डॉलर का फॉल देखने को मिला और कल के पूरे दिन में टेन परसेंट का एक्सट्रीम फॉल देखने को मिला बिटकॉइन में इसके अलावा ने भी थ्री थाउजेंड के लेवल को ब्रेक कर दिया ओल्ड कॉइन भी बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं तो बाइनेंस कार्डानो मेटिक सोल सभी के प्राइस में फॉल आया है वन वीक पहले ही मार्केट ने मेजर बीरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और लास्ट वन मंथ से अप ट्रेन में था बिटकॉइन ने अच्छी रिकवरी दिखाई थी फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर तक चार्ट पर देख सकते हैं बीटीसी अपने रेजिस्टेंस लेवल को कंटिन्यू टेस्ट कर रहा था बट 46,000 का रेजिस्टेंस लेवल अभी तक BTC ब्रेक नहीं कर पा रहा था फर्स्ट टू टाइम्स में 40,000 के लेवल को टेस्ट करने के बाद BTC में 4,000 थाउजेंड डॉलर का फॉल और करेक्शन देखने को मिला जहां से BTC 50 DMA के सपोर्ट पर जाकर रुका और लास्ट थ्री फोर डेज से बुल्स ने फिर से मार्केट में अपनी पकड़ बनाई है और BTC के प्राइस को फिर से रेजिस्टेंस लेवल की तरफ पुश किया था और 45,000 लेवल के अराउंड बीटीसी ने यू टर्न लिया और हमने एक्सट्रीम फॉल देखा वो भी 4,000 डॉलर का बिटकॉइन ने 40,000 के सपोर्ट लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है और लास्ट 10 आवर से इसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है अगर बिटकॉइन 40,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो एक बार फिर से हम 33,000 के लेवल को भी विटनेस कर सकते हैं आपके क्या थॉट है बीटीसी के प्राइस को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए अब बात करते हैं इतने एक्सट्रीम फॉल के पीछे का रीजन क्या है ये जो पर्सन आप देख रहे हो चार्ली मुंगर इसके क्रिप्टो को लेकर कमेंट क्रिप्टो इज लाइक डिजीज इन्होंने क्रिप्टो को डिजीज से कंपेयर किया है इनका कहना है कि क्रिप्ट क्रिप्टो एक तरह की वनरल डिजीज है यही मेन रीजन है बिटकॉइन और क्रिप्टो में फॉल आने का ये बात इन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी आपको नहीं पता तो बता दूं इनको वान बुफे का राइट हैंड कहा जाता है और ये वान बुफे के बिजनेस पार्टनर भी है इसलिए इनके इस कमेंट का इम्पेक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की फर्स्ट न्यूज है कनाडा बैंस 33 क्रिप्टो वॉलेट्स टाइड टू फ्रीडम कॉनवे आपको नहीं पता तो बता दूं कनाडा में लास्ट टू मंथ से प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से कैनेडा के प्रेजिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया है इसी की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने थर्टी क्रिप्टो वॉलेट्स को बैन करने का फैसला लिया है उनका ये कहना है कि ये वॉलेट के थ्रू प्रोटेस्ट को फंडिंग की जा रही है और ये 34 वॉलेट कंटेन करते हैं 25 बिटकॉइन वर्थ 1.4 मिलियन डॉलर एंड अदर क्रिप्टो करेंसी इसमें इंक्लूड है 29 बिटकॉइन वॉलेट 2 इथेरियम वॉलेट लाइटकॉइन कॉइन मोनेरो एंड कार्डानो वॉलेट जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में दिख रहा है सेकेंड न्यूज है ट्विटर इनेबल यूजर टू गिव एंड रिसीव इथेरियम टिप्स नेटिवली ट्विटर ने अपने यूजर्स को इथेरियम पेमेंट करने का ऑप्शन ऐड कर दिया है इन लास्ट ईयर सितंबर में ट्विटर ने ये न्यू फीचर ऐड किया था जिसकी हेल्प से आप बिटकॉइन पेमेंट कर सकते थे बट अब इथेरियम को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है जिसमे यूजर को सिंपली अपना इथेरियम वॉलेट एड्रेस पुट करना होगा ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ट्विटर का इस न्यूज से आपको ये जरूर पता चल रहा होगा कि क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो नहीं बट लॉन्ग टर्म में आपको देखने को जरूर मिलेगा इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए अगर आपको बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो लास्ट न्यूज है यूक्रेन पासिस वोट ऑन बिल टू लीगलाइज बिटकॉइन यूक्रेन में भी बिल पास हो गया है बिटकॉइन को लीगलाइज करने का बिल के फेवर में 300 हंड्रेड वोट्स आए हैं और अगेंस्ट में ओनली टू वोट मिले हैं एक के बाद एक कंट्रीज क्रिप्टो को लीगलाइज करने के लिए बिल पास कर रही है जो की बहुत अच्छी न्यूज है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद